नमस्कार, आर भट्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पंकज। अभी हम दानापुर के दीघा घाट पे मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हम बता दें कि आज सतुवानी महापर्व मनाया जा रहा है और लाखों की संख्या में लोग जो है डुबकी लगा रहे हैं यहाँ पे गंगा जी में। और ये सतुवानी पर्व जब मीन राशि से सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तब ये सतुवानी पर्व मनाया जाता है। पहले जमाने के लोग जो है सतुवानी पर्व और भी हर्षोल्लास के साथ मनाते थे और जौ का सत्तू, गुड़, चीनी, आम का टिकोला का चटनी के साथ उसे जो है खाते थे और बहुत ही चाक से खाते थे। अभी जो है सत्तू जो है कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो वो सत्तू जो है विलुप्त हो रहा है और सत्तू जो है खाने से बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है। तो आज सतुवानी है, सतुवानी के मौके पर लोग जो है अब तमाम जो तस्वीर देख रहे हैं कि लोग यहां पे स्नान, पुरुष हो या महिलाएं हो, यहां पे स्नान कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं, क्योंकि सतुवानी है और कोरोना काल के बीच जो ये पर्व आया है तो इसको लेकर लोगों में भी काफ़ी भीड़ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी खासा अच्छा खासा जो है भीड़ जो है दीघा घाट पे देखने को मिल रहा है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये सतुवानी पर्व होता है, क्या क्या इसमें विधि विधान से उन लोग पूजा करती हैं, क्या कुछ इस पूजा करने से मिलता है। सबसे पहले यहाँ जो पंडित जी हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबा, ये बताएं कि ये सतुवानी पर्व का क्या महत्व है? सतुवानी पर्व का जो महत्व है, इसमें श्रद्धालु व्यक्ति लोग जो आते हैं, आज का दिन जो है जैसे चैत्र मास का जो है नियम है, इसमें सत्तू खाने का ज़्यादा महत्व है। इसमें सब लोग सत्तू खाते हैं, गुड़ खाते हैं और सत्तू खाते हुए और पंडित जी के सत्तू दान करते हैं, इसी का महत्व है। सत्तू दान का ज़्यादा महत्व माना गया है। इसी दिन सर श्रद्धालु लोग आते हैं, अपने स्नान करके, स्नान करने के बाद पंडित जी के जो है सत्तू दान करते हैं और खाते हैं। ऐसा चलते आया है नियम और लोग करते आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन से जो खरवास भी खत्म हो जाता है। जी हाँ, आज से दिन से जो है खरवास खत्म हो जाता है और जो है चैत्र नवरात्रि का इसमें ज़्यादा इसमें इसका महत्व भी है और इसका सब लोग जो है एक पर्व के त्यौहार की तरह इसको मनाते हैं। कोरोना काल के चलते देखा जा रहा है घाटों पर उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। जी हाँ, कोरोना काल के चलते जो है बहुत कम भीड़ है, जैसे पहले रहता था बहुत ज़्यादा मेला, वैसा नहीं है। कोरोना की वजह से कुछ जो है मैंने बगल का जो है गांव का आदमी ही लोग आए हैं, बाहर का आदमी नहीं आए हैं और वही आकर जो है यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। क्या नाम है बाबा? मेरा मुकेश कुमार झा नाम है। जी, तो देखिए किस प्रकार जो है बाबा जो है उन्होंने बताया कि आज से जो है खरवास का जो है समाप्ति हो जाता है और नौ वर्ष चैत्र महीना जो होता है हिंदू धर्म के अनुसार वो नौ वर्ष के रूप में आता है और चैत्र महीने में चैती छठ भी मनाया जाता है और रामनवमी का पावन त्यौहार जो चल रहा है आज जो है दूसरा दिन है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ सतुवानी है तो लोग जो है स्नान कर रहे हैं गंगा में। उसके बाद जो है माताएँ जो हैं देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पूजा अर्चना गंगा घाट पे जो है कर रही हैं। हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से आप लोग पूजा अर्चना करती हैं सतुवानी के दिन? क्या कुछ पूजा अर्चना करती हैं, किस प्रकार से? कहेंगे शौक से नहाया है। शौक से नहाया है? हाँ। क्या कुछ सतुवानी में पूजा करने के बाद सत्तू उत्तू खाती हैं आप? नहीं सर, सत्तू नहीं खाते हैं। सब लोग नहीं खाते। तो और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनके यहाँ पूजा अर्चना होता है तो वो जो है सत्तू जो है नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो सत्तू, गुड़ और आम का चटनी और पुदीने का चटनी ये सारी चीज़ें जो है तमाम चीज़ें जो है वो खाते हैं। किस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो है पूजा अर्चना किया जा रहा है सतुवानी के दिन। महिलाएं जो हैं श्रद्धालु जो है महिला श्रद्धालु वो नहाकर गंगा में स्नान कर यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि किस प्रकार से ये पूजा अर्चना करती है। क्या महत्व है चाची सतुवानी का? सतुवानी का क्या महत्व है बताइए?
सतवानी महान पर्व है, आदमी गंगा स्नान करे है कि शुद्ध हेथी से सब पवित्र रहे। बहुत बड़ा महत्व है सतवानी के, सतुटी कोढ़ा सब चीज दान कल जा है, एथी कल पूजा पाठ है, आदमी पवित्र से होके करे है। और का तो इसके बाद पूजा करने के बाद आप लोग सत्तू भी खाते हैं? हाँ, सत्तू खाते हैं, टिकोरा खाते हैं, दान करते हैं, पंडित जी को देते हैं और दे करके हम लोग अपने खाते हैं। तो देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से एक बीमारी चला है महामारी कोरोना का, तो उसको लेकर यहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लग रहा है। आप लोग कितने साल से आ रहे हैं खाते? हम लोग बहुत साल से आ रहे हैं। तो भीड़ पहले हुआ करता था वैसे? हाँ, आज उतना इन साल तो उतना नहीं भीड़ है, नहीं भीड़ है कोरोना के चलते। देखिए, और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आप लोग पूजा अर्चना करती हैं। क्या कर रहे हैं? हर प्रकार से, हर साल कई साल से कर रहे हैं। सतवानी के जल पंखा सत्तू ये सब दान करते हैं, आम के टिकोरा दान करते हैं, गंगा जी नहाते हैं उसके बाद खाते हैं सत्तू का मीठा, जौ के सत्तू मीठा टिकोरा खाते हैं। चटनी? हाँ, चटनी। आज क्या नाम हो? ममता देवी। चलिए देखिए किस प्रकार से जो महिलाएं हैं पूजा अर्चना जो है, श्रद्धालु महिला श्रद्धालु जो है गंगा नदी में वो पूजा अर्चना कर रही हैं हर्षोल्लास के साथ। जिस प्रकार से हर साल सतवानी महीने में जो मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ जो है ये त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आप तमाम तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं कि महिला हो पुरुष हो, हर प्रकार के लोग जो है यहाँ आज डुबकी लगा रहे हैं। और कोरोना काल के चलते महिलाएं भी बता रही हैं कि जैसे भीड़ हुआ करता था गंगा घाटों पे, उस प्रकार से भीड़ नहीं। ठीक इसके आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ छोटे से मेले का भी आयोजन हुआ है, जहाँ बच्चों के लिए खिलौने का मेला, बलून्स, ये सब सारी चीज़ें जो है वो मिल रही है। और लोग जो है यहाँ पे तमाम अपने अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इसमें बड़ी बात है कि कोरोना काल जिस प्रकार से चल रहा है, तो लोगों को जिस प्रकार सरकार ने गाइडलाइन दिया है मास्क पहनने का है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये एक कमी देखी जा रही है। सभी श्रद्धालुओं में जो आए हैं यहाँ पे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मास्क जो है वो उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बड़ी बात चुनौती जो है हो सकती है। और गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो इसका भी ध्यान उन्हें कोरोना काल में देना होगा कि अगर पर्व है तो हम सावधानी बरतें, और सावधानी बरतने के साथ ही जो है वो पर्व जो है हम कर सकते हैं करें, ताकि कोरोना जो जिस प्रकार से कोरोना महामारी चल रही है वो हमें जो है छू ना सके। और ग्लव्स का इस्तेमाल हमेशा करें और मास्क का इस्तेमाल हमेशा करें, तो आप जो है कुछ हद तक जो है कोरोना से बचाव जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल आप तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अभी तक हमारे चैनल YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, YouTube पे बेल आइकन दबा ले और Facebook पे लाइक करें, Instagram Twitter पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ पंकज कुमार, आरबीएन न्यूज़, दानापुर।